अच्छा तो खैर नहीं, बहुत ज्यादा ही बहुत अच्छा अच्छा था था। कि उनको लास्ट टू एपिसोड्स सिनेमा में ऑन एयर करने पड़े और लोगों ने, मतलब वो हाउस फुली पैक्ड था, लोगों ने देखा. तो मुझे यकीन करें, मुझे ऐसा लगा क्योंकि मैं अपनी फ्रेटर्निटी के लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, उनको बहुत इज्जत देती हूँ. जब उनको कोई कामयाबी मिलती है तो मुझे लगता है कि वो कामयाबी जैसे मेरी है. तो मैंने कुछ लोगों को भी देखा थोड़ा सा मजाक उड़ाते हुए, कुछ ऐसा करते हुए. बात किस है कि चीज अगर कोई का ड्रामा, ड्रामे जैसे सोशल का? मीडिया पे, हाँ देखें, अगर कोई ड्रामा हिट है, आप अपनी राय दे सकते हैं कि मुझे ये पसंद नहीं है. मैं भी अपनी राय दे सकती हूँ कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा. लेकिन किसी ड्रामे को इतनी पजीराई मिली हो, मेरे पास तुम जैसे सीरियल को इतनी पजीराई मिली, उसको तो हम झुटला नहीं सकते ना, नहीं जुटा सकते, क्योंकि जो चीज है उसको तो आपको मानना पड़ेगा. बिल्कुल। तो मुझे थोड़ा दुख होता है कि जब हमारे जो फ्रेटर्निटी के लोग हैं, हमारे जो कलीग्स हैं, किसी को कामयाबी मिलती है तो थोड़ी सी कभी गुतंज कर देते हैं, कोई बात कर देते हैं. तो वो हमने कहना तो होता ही है, तो क्यों ना हम किसी के लिए कुछ अच्छा कह दें, बुरा क्यों कर. तंज करना, उंगली उठाना, किसी की टांग खींचना, ये एक ना सिर्फ हमारी इंडस्ट्री में, हमारे हाथ से, हमारे हमारी पूरी सोसाइटी में बहुत ज्यादा है। स्पेशली जब लोग, हम लोग बात कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे हो या जहां मर्जी हो, ये एक 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 आदत सी बन चुकी है। मगर और ये ये जो आदत तुम अच्छी नहीं है. अब देखिए, जैसे पुर्तगाल जो चल रहा है ऑन एयर है, वो एक पूरी दुनिया में उसको कामयाबी मिली. एक गाजी का किरदार, एक मुजाहिद का किरदार, कि अल्लाह की राह में वो जंगें लड़ रहा है, वो अल्लाह का कुरान भी पढ़ रहा है, वो नमाज भी पढ़ रहा है, उसमें एक इतना स्ट्रांग मैसेज है. हम लोग उनके ड्रामे पहले भी देखते रहे, हम अभी भी देख रहे हैं. तो इस ड्रामे पे इतनी तनकीद क्यों की जा रही है? क्या हम हिंदुस्तान की फिल्में इतनी शौक और इतनी मोहब्बत से नहीं देखते रहे? हमारे बिल्कुल। घरों में, हमारे सिनेमाज में उनकी फिल्में हम जा जाकर नहीं देखते थे? आज एक टर्की का ड्रामा जिसको इतनी मतलब इतनी सक्सेस मिली है, इतनी पजीराई मिली है, तो लोग उससे भी बाज नहीं आ रहे. क्यों उनको बिल्कुल। इतना मतलब जोर इनसिक्योरिटी, किया जा रहा ये है, चोरी हो इनसिक्योरिटी है रही है, क्या? समझ रहे ये हैं? इनसिक्योरिटी आपका ख्याल है क्या? इनसिक्योरिटी है वो, क्या डरे हुए होते हाँ, हैं? शायद कुछ लोग मेरे ख्याल में इस तरह की बात करके, ट्वीट करके डिस्कस होना चाहते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है. शेर, दिल बड़ा आप, रखना चाहिए, दिल बहुत मुझे बड़ा. थोड़ा किसी की तारीफ कुछ लग करनी रहा है कि चाहिए, आप किसकी बात कर रही हैं। मैं थोड़ा सा दिमाग में रिचल रहा जो आप देखिए, जो दिल हाँ बड़ा रखना चाहिए. हाँ मैं देखिए, कुछ बातें अनकही अच्छी लगती हैं, हाँ नाम लेने अनकही जरूरी नहीं होते. नहीं, आपको मैं जरूरत जिनके बड़ी नहीं। नाम नहीं भी ले रही, शेरू, यकीन करें, उनकी उनकी भी आज मतलब जितनी मैं इज्जत करती हूँ, कम ही कोई एक्ट्रेस करती होगी. मैंने आपको बताया कि मैं एक एक अपने हीरे हीरो को, जो ये तमाम लोग जो मेरे मुल्क की इज्जत को बढ़ाते हैं, मैं इनकी बहुत इज्जत करती हूँ, मैं इन सबकी इज्जत करती हूँ. आप किसी का भी नाम लें, किसी भी मेरे दोस्त को, मेरे कोलीग को मेरी जरूरत पड़ती है तो मैं हमेशा उनके लिए वहां मौजूद होती हूँ. तो बात यह है कि अगर अगर आपने किसी के लिए कुछ अच्छा बोलना है तो अच्छे शब्द बोले, अच्छा कहें, ताकि लोग कहें कि वाह भी इनका कितना बड़ा दिल है, ये तो तारीफ करें किसी की. वाह, बिल्कुल। किसी को तनकीद करके सोशल मीडिया पे आप अपने ही कद को छोटा करते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है. आई थिंक ये कि इसे अगर ये जो आदत है हम सबकी के किसी को क्रिटिसाइज करना, जज करना, शायद सबके दिल के अंदर थोड़ा सा ऐसा कोई ख्याल हो, मगर पॉजिटिविटी को से बात करना, दूसरे लोगों को इनकरेज करना, एक दूसरे की तारीफ करना, एक इंसान की वीकनेस नहीं है, उनकी ताकत है, मैं समझता हूं। ये लोग यहाँ पे एनकरेज नहीं करते, यहाँ डिस्करेज किया जाता है बहुत ज्यादा. क्या अच्छा जी, हुमायूं को तो मतलब सीख जाएगा, ये है वो है. भाई अगर इतना सीख के उसको इतनी इज्जत मिल गई है, अगर वो अनाड़ी है, तो मेरे ख्याल में फिर हर एक्टर को ही अनाड़ी होना चाहिए. मगर ये तो हमारी, ये तो आम सी चीज है रेशम, तुम जानती हो, जब कोई इंसान बड़ा नाम ले ले, इस वक्त माहिरा को देख लें, माशाल्लाह से, आई थिंक शी इज अ स्टार, क्या नाम है उसका, और उसके नाम के साथ साथ, स्टार, और और मैं क्या इज्जत बहुत है, क्या पसंद करती हूँ इज्जत माया है, खान को. हाँ क्या बड़ी इज्जत, उसकी इज्जत है, लोग उसकी इज्जत करते हैं, मगर जब दूसरे लोग उसको पुट डाउन करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ के, बस मैंने अपना शेरू, मैं पॉइंट। मुझे मुझे बुरा लगा. मैं इमान अली को बहुत प्यार करती हूँ, बहुत पसंद करती हूँ. इमान मेरी बहुत प्यारी दोस्त है, ईमान लेकिन जब उन्होंने कहा कि उनको वो विजय रहना चाहिए था, तो ये रहना चाहिए था. नहीं, बगैर रेशम मैं उसको बात बताऊं, मैं बात बताऊं, ये सच नहीं था, पता क्या, तो मैं, मुझे भी ये लगा, मेरी ईमान का मैंने इंटरव्यू किया कुछ देर पहले ही, और ईमान ने ये क्लियरफाई किया, ईमान का सवाल क्या था, उनको सवाल पूछा गया जो उन्होंने गलत तरीके से बताया गया उसके अंदर बाद में,
सवाल था, अगर रेशम एक्ट्रेस ना होती तो वो क्या होती, अगर माहिरा एक्ट्रेस ना होती तो क्या होती, तो उसका जवाब था अगर वो एक्ट्रेस ना होती तो वो विजय होती, वो विजय लेकिन बहुत अच्छा अच्छी बताती थी। हूँ, जो आपका अंदाजे बयां आपने, होता है ना, मैंने देखा जो नहीं था कहने बाय द का जो वे, आप तरीका होता है ना शेर, वही हाँ मायने रखता है। अब बात ये कि आंखों में आंखों जिसको में अल्लाह ने इशारा। इज्जत दी हो, जिसको अल्लाह ने इज्जत दी हो ना, उसकी इज्जत जरूर करो। माहिरा को मैं आई थिंक 2 बार मिली हूँ, शी इज अ लवली एक्ट्रेस, बहुत शी प्यारी इज इंसान। प्यार, इंसान भी बहुत अच्छी है, बहुत मैं अच्छी है। उसके उससे उससे मिलकर मैं इतनी इम्प्रेस हुई कि इतना अच्छा इखलाक, इतनी प्यार करने वाली, शी हाँ सो ग्राउंडेड, सो डाउन टू अर्थ। मुझे बड़ा अच्छा लगा उससे मिलकर बात करके। तो मुझे भी बहुत मुझे सब लड़कियां, जितने भी नई लड़कियां काम कर रही, मुझे सब अच्छी लगती हैं। तो जिसको कह, बस ये कि अल्लाह इज्जत दे ना, उसकी इज्जत करो। बिल्कुल। हमारे अंदर इसमें तो यूनिटी नहीं है, यूनिटी हमारे बहुत बहुत और बच्चों से भी नहीं है, हम लोग एक दूसरे से जलते भी हमारी बहुत जो हैं। जेलेसी है ना वो हाँ उबल उबल के बाहर आ जाती है, बहुत और हम ज्यादा कुछ ना कुछ बहुत दूसरे ज्यादा, बंदे पे कह देते हैं। स्पेशली जो बंदा जो सक्सेसफुल हो जाए तो उसको तो सब बंदे खींचने को छोड़ते हैं। और इसी तरह मैं तुम्हारे बारे में सवाल पूछूंगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ कि तुमने भी इस तरह शुरू किया काम। जैसे अब एक बंदा, एक स्टार जो होता है, मैं समझता हूँ कि ये जो इंडस्ट्री है, चाहे टेलीविजन की हो, फैशन की हो, फिल्म की हो, म्यूजिक की हो, ये इस तरह का एक पहाड़ है, और इस पहाड़ के ऊपर, चोटी के ऊपर छोटी सी जगह है जो दो तीन लोग बैठे हैं जो काम कर रहे हैं, मगर उनको जब वो ऊपर चढ़ जाते हैं तो तालियों के साथ साथ, आवाजों के साथ खींचने की भी आवाज आती है, हर बंदा खींच के नीचे खींच रहा होता है। जब तुम्हारा गाना निकला जानू सुन जरा, है जी, और हम लोग पागल हो गए, पागल हो गए, हमें अभी तक इस वन ऑफ माय फेवरेट गाना, और मैं तुम्हें जब भी देखता हूँ कहता हूँ जानू सुन जरा, जानू सुन सुन जरा, जरा नजरें पलके भले तो तो उठा, उठा, आंखों में ये सारी चीजें सुन जरा, तन आ मेरे पास आ आ। सो मुझे बताओ कि जब ये हुआ तो तुम्हारी जिंदगी किस तरह बदली और जिंदगी में क्या बदला? मैं तो ओवरनाइट स्टार बन गई थी, लेकिन मैं स्टार नहीं बनना चाहती थी, मैं आर्टिस्ट बनना चाहती थी। मैंने स्टार बन के बहुत सारी फिल्में की, फिर उसके बाद मैंने कुछ ऐसी फिल्में भी की जैसे जन्नत की तलाश थी, और मुझे था कि जरा आर्टी आर्टी होना चाहिए, जरा आप थोड़ा ऑफ बीट भी होना चाहिए काम, खाली ये मुझे छाप ना लग जाए खाली ग्लैमरस एक्ट्रेस की। तो मैं करती गई करती गई करती गई, काफी साल किया, लेकिन एक पॉइंट आया जहां पे मुझे पता चला कि लगा कि मेरी जो एक्टिंग की एक अर्ज है वो पूरी नहीं हो रही। तो फिर मैंने छोटी स्क्रीन पर वापसी कर ली। मैं हमेशा एक बात जरूर कहती हूँ, स्क्रीन छोटी बड़ी नहीं होती है, इंसान का काम छोटा बड़ा होता है। अब आप देख ले, वही मिसाल दूंगी कि हुमायूं का जो सीरियल में छोटी स्क्रीन पर चला, कोई कह सकता था कि ड्रामा पाकिस्तान की तारीख में जाकर लोग सिनेमा में देखेंगे? एक रिकॉर्ड कायम कर दिया ना सीरियल ने। देखिए तो जी, बात होता ये कि क्या मैंने है, बहुत बड़ी स्क्रीन पे लोगों को छोटा काम करते देखा, और छोटी स्क्रीन पे मैंने लोगों को बड़ा काम करते देखा। तो उससे तो मैं नहीं समझता कि बड़े स्क्रीन छोटे स्क्रीन से कुछ फर्क पड़ता है। कोई कहते हैं ना कि ये कोई एक छोटा रोल नहीं होता, कोई बड़ा रोल नहीं होता, इट्स द हाँ एक्टर, आप क्या उसके अंदर जान डालते हैं। नो, यू आर एब्सोल्युटली राइट, मगर इस वक्त में रेशम के पास कुछ चीजें थी, सामान था, अपने सोच, अपने ख्याल, अपने एक्सपीरियंसेस, वो अपने पास बंदा रखता है, और उसके बाद फिर एकदम से जिंदगी बदलने के वक्त, हमारे जिंदगी में तो कभी नहीं आए, मगर पहली दफा आया कि कोरोना आया और एकदम से सबकी जिंदगी बदल गई, हमने अपने अंदर कुछ नया पाया, कुछ नया देखा, कुछ दूसरे लोगों के अंदर कुछ देखा, कुछ खा पाया, कुछ खोया, कल सारी सिचुएशन ठीक हो जाती है। रेशम कौन सा अपना पुराना सामान साथ लेके आ रही है और कौन सा नया सामान ला के लेके चलेगी? सामान की बात कर रहे सामान हैं? के पड़ा मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पर है, सावन के भीगे भीगे दिन रखे हैं, एक सौ सौ लाख तुम्हारे चांद की रातें, एक तुम्हारे कांधे का तिल, कांधे का तिल, गीली मेहंदी की खुशबू, झूठ मूठ के झूठ शिकवे मूठ सब के खिंचवाए कोई। भिजवा दो। अच्छा हाँ आखिर में जब वो कहती ना, रेखा कहती कहती मैंने क्यों भिजवाया वो सब, यूं भी तो दिन रात माया हमारे साथ रह रही थी, सामान भी रह जाता तो क्या हो जाता। वाह, तो वो मैं बहुत सारी चीजें मेरी जिंदगी में कोरोना की वजह से बदली हैं, और सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि मैं ना ये जो
भार मेरे ऊपर है ना कपड़ों का, इसको तो मैं निकालू, उसको मैं बांट दू लोगों में, क्योंकि मुझे ना ये डिप्रेशन देना शुरू हो गया चीजें, तो मेरे लिए ये बेमायनी है, इनका कोई मकसद नहीं है. इवन मैं अच्छे घर में हम रहते हैं, तो आपको जब पता चलता है ना कि अगर आप बाहर जाएं, आप लोगों से मतलब मिलें जाके, तो खुदा ना खासा अगर आपको कोरोना हो जाए, COVID-19 हो जाए, तो आप तो इस डर से ही मर जाएंगे, मुझे ये हो गया. इसका बड़ा टेरर है, एक बड़ा खौफ है इसका लोगों पे. तो बहुत कुछ बदला है. साथ के लेके चल रहे हो अपना शेरू, दिमाग ना सुन हो गया कि हमें करना क्या है, क्योंकि जैसे मैं नजर न्याज करती हूँ, मैं कुछ बांट ना सकूं. अच्छा, ऐसा लगा कि मतलब आप तो किसी से हाथ नहीं मिला पाएंगे, आप तो किसी के करीब जाते नहीं. अभी भी हम जो बगल गिर होते थे, हम किसी को हाँ करते थे, हम वहां करके मिलते थे, सब खत्म हो गया. खत्म याद है गाना. एक बात बताऊं, मुझे इसमें ना बहुत सारी चीजें बेहतर हुई है, लेकिन सोचना लोगों को है कि क्या बेहतर आई है, बेहतरी क्या आई है. अगर वो नहीं सोचेंगे ना तो, क्योंकि आप हर अच्छे बुरे वक्त से सीखते हैं. तो मेरे ख्याल में जैसे मैंने सीखा, तो यकीन और बहुत सारे लोगों ने सीखा होगा, अल्लाह करे. लेकिन फिर एक ख्याल आता है कि सीरिया में जो हुआ, ईरान में जो हुआ, लिबनान